हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम रुचिका। तो आज आप सबका क्लास टेंथ का टर्म वन का एग्ज़ाम था और बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था। तो जल्दी से मुझे बताइए, आपका पेपर कैसा रहा? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा रहा पेपर? कितने मार्क्स आएंगे? जल्दी से बताइए। हाय निखिल, हाय राहुल, हाय जया, आदित्यन, सादिया, गुड इवनिंग एंड हाय श्रेया। हाँ, हम यही सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, पेपर कोड 00214 सीरीज JSK 1। तो मैं आपके साथ इसके आंसर की शेयर करूँगी और आप सब भी मुझे बताइए आपका पेपर कैसा हुआ। हार्ड था पेपर? गुड था पेपर? हेलो, पेपर बेकार था? हाँ जी, इट वॉज टफ, आई एग्री विथ यू। जो पहला पैसेज है इसमें वो थोड़ा मुश्किल है एंड क्वेश्चंस भी कुछ डिफिकल्ट से हैं। प्रशांत 40, वेरी गुड प्रशांत, यू विल गेट फुल मार्क्स, दिस इज गुड। बहुत ख़राब रहा आज का पेपर? हाँ जी, हमने सोचा था कि पेपर थोड़ा इजी होगा। क्लास 12th का पेपर बहुत इजी था इन कंपैरिजन टू क्लास 10, पर कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं, हो सकता है कुछ ग्रेस मार्क्स भी मिल जाए हमको। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस। ये था पैसेज। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये वाला कोड अटेम्प्ट किया है 002/1/4, सो बताइए आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर लिखा है। पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए? ये फर्स्ट पैसेज है जिसमें घर के डिसिप्लिन की बात हो रही है। दिस इज वेरी गुड नाव्या, यू विल गेट फुल मार्क्स, ग्रेट। चलिए मुझे जल्दी से बताइए आपने इस क्वेश्चन में क्या आंसर दिया है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनडिसिप्लिन अमंग चिल्ड्रन? कोलैप्स ऑफ डिसिप्लिन एट होम, प्लेस ऑफ चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स एट होम, चाइल्ड साइकोलॉजी। ए बी सी और डी में से वन का आंसर ए, यस, अकॉर्डिंग टू द आंसर की दैट आई हैव, ए इज द आंसर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनडिसिप्लिन अमंग चिल्ड्रन? हमारे इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? प्रशांत आपने नहीं लिखा। पैराग्राफ में बताया गया है कि जैसे इक्वालिटी ऑफ वुमेन आ गई है, उस वजह से घर में एक जो हायरार्की थी, यहाँ पे फादर है, यहाँ पे मदर है और यहाँ पे चिल्ड्रन है, ये हायरार्की अब ख़त्म हो गई है, उस वजह से बच्चों में इनडिसिप्लिन आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द राइटर सीम्स टू बी अ मेल शॉविनिस्ट पिग, टेक्स अ लाइट हार्टेड अप्रोच टू लाइफ, इज अ डिसग्रंटल्ड हस्बैंड, हैज हिज फैमिलीज वेलफेयर एट हिज हार्ट। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या बोलते हैं आप? ए बी सी डी क्या होगा? ओके, जे एस के 2 इज क्वाइट डिफिकल्ट, वी आर डिस्कसिंग जे एस के 1। वॉट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2? जल्दी से बताइए ए बी सी और डी, हु हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। डी, हैज हिज फैमिलीज वेलफेयर एट हिज हार्ट। पर्सनली मुझे भी लगता है डी इज द आंसर, बट द आंसर की विच आई हैव विच इज बीइंग सर्कुलेटेड, उसमें ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर भी लिखेंगे तो मुझे पता लग जाएगा आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सब ने मिक्स रिस्पॉन्स दिया है, कोई डी कह रहा है, कोई ए कह रहा है। ए इज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है, मुझे तो डी ही ठीक लग रहा है इसके लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3। अर्लियर अ वाइफ वॉज ओबीडियंट टू हर हस्बैंड, ऑप्शन ए बी सी डी, सो दैट शी कुड डिसिप्लिन हर चिल्ड्रन, सो दैट शी कुड कंट्रोल हर एंटायर हाउस होल्ड, एज ही वॉज द ब्रेड विनर, एज मैन आर फिजिकली स्ट्रोंगर देन वुमेन। वाइफ हस्बैंड को ओबे क्यों करती थी? थर्ड का आंसर है ऑप्शन ए, सो दैट वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन कर सके। यही चीज हमारे इस पैसेज में डिस्कस की गई है। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1, मदर स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम एट होम। स्टेटमेंट 2, एलिमेंट ऑफ फेमिलियरिटी डिक्रीज हर कंट्रोल ओवर हर चिल्ड्रन। अब हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। 1 इज ट्रू, रिप्रेजेंट्स एन एजर्शन। 2 इज फॉल्स एंड फॉलोज द एजर्शन इन 1। 1 इज फॉल्स बट रिप्रेजेंट्स एन एजर्शन। 2 इज ट्रू एंड फॉलोज द एजर्शन इन 1। तो पहले तो हमें देखना है
कि इन दोनों में से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रीजन फॉर सेकेंड. सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बनेगा, टू इज ट्रू एंड फॉलोज द असर्शन इन वन, डी इज द आंसर. वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया. क्वेश्चन फाइव पे चलते हैं. यहां पे भी दो स्टेटमेंट्स हैं. वाइफ एसर्टेड हर अथॉरिटी थ्रू हर हस्बैंड, फर्म स्टेप्स वर टेकन बाय द वाइफ इन द नेम ऑफ हर हस्बैंड, वाइफ मेड द डिसीजंस एंड द हस्बैंड टुक द ब्लेम. अब ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा था, पर मैंने इसे दो तीन बार पढ़ा ताकि मैं समझ सकूं कि इसमें क्या दिया हुआ है. राशि जेएसके 2 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास अभी नहीं आया है, तो इसलिए हम जेएसके 1 कर रहे हैं. अब देखिए इसमें ऑप्शंस, देखिए 1 and 2 आर ट्रू, 3 इज फॉल्स. अब अगर हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो तीनों ही ट्रू लग रही हैं, ठीक है, तो ये पहले दो ऑप्शंस तो कट हो गई. 3 इज ट्रू फॉलोज द असर्शन इन 2, 1 इज ट्रू फॉलोज द असर्शन इन 3. अब देखते हैं, वाइफ ने अपनी अथॉरिटी बच्चों पर जमाई हस्बैंड के थ्रू, ये सही है. फर्म स्टेप्स वाइफ ने लिए इन द नेम ऑफ हर हस्बैंड, वाइफ मेड द डिसीजंस एंड हस्बैंड टुक द ब्लेम. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 इज ट्रू फॉलोज द असर्शन इन 1. इसका क्या मतलब हुआ कि 2 में जो स्टेटमेंट है उसकी वजह से 3 का नतीजा आया. मीन्स वाइफ ने ऐसे स्टेप्स लिए कह के कि तुम्हारे पापा ऐसे कहते हैं, तुम्हारे पापा ऐसे कहते हैं, तो मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा. तो हस्बैंड पर इल्जाम लगाकर वाइफ ने डिसीजंस लिए घर में, ठीक है. तो क्वेश्चन 5 का आंसर सभी लोग सी कह रहे हैं. वेरी गुड, फिर तो सभी के 40 आने की चांसेस हैं. क्वेश्चन 6, अब हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, हमें सीक्वेंस बतानी है. पहली स्टेटमेंट, इट गिव्स मदर्स मोर टाइम टू टॉक टू चिल्ड्रन. सेकेंड स्टेटमेंट, मदर्स हैव मोर फ्रीडम एंड मोर टाइम. थर्ड स्टेटमेंट, मदर्स कुड डिस्कस मैटर्स विद देयर चिल्ड्रन. फोर्थ स्टेटमेंट, इन द 20th सेंचुरी फैमिलीज हैड फ्यूअर चिल्ड्रन. तो ए बी सी डी में से क्या सीक्वेंस लिखी है आप सबने, हेलो डायरी एसएम. हाँ जी, 6th का आंसर क्या लिखा है आपने. क्वेश्चन 6 का आंसर है, सबसे पहले ये है, 20th सेंचुरी में फैमिलीज में कम बच्चे हुआ करते थे, उसकी वजह से क्या हुआ. नेक्स्ट क्या हुआ, मदर्स हैड मोर फ्रीडम एंड मोर टाइम, जब बच्चे कम हैं तो मदर्स फ्री हैं. यस, सी इज द आंसर. उसके बाद क्या हुआ, मदर्स के पास ज़्यादा टाइम था बच्चों से बातें करने का, एंड देन मदर्स कुड डिस्कस मैटर्स विद देयर चिल्ड्रन. सो आंसर इज सी. वेरी गुड, अब आगे चलते हैं. क्वेश्चन 7 देखते हैं. इवन द बाइबल इटसेल्फ वाज रेलिगेटेड टू अ हाई शेल्फ. अब यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, आयरनी, मेटोनिमी, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर. अब देखिए, रेलिगेटेड का मतलब होता है एक लोअर पोजीशन पर ले जाना किसी को, मीन्स किसी की पोजीशन कम हो गई. और फिर लिखा है हाई शेल्फ, बाइबल को एक निचली पोजीशन पर ले गए और उसे हाई शेल्फ पर पहुंचा दिया. मींस एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ये. सो दिस इज एन आयरनी. इसका आंसर ए होगा, 7th का आंसर है ए. 7th आई रोट डी, आशना, मेटाफर. मेटाफर कैसे होगा, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है बाइबल का किसी चीज के साथ, किसी और चीज का तो नाम ही नहीं यूज हो रहा है यहाँ पर. 7th का आंसर है ए. कोई कह रहा है सी, पर्सोनिफिकेशन. नो, उसको पर्सोनिफाई भी नहीं किया जा रहा, बाइबल को एक शेल्फ पे रखा गया, किताब है वो. चलिए क्वेश्चन 8, द बाइबल वॉज अनसुटेबल फॉर द यंग. बाइबल को यंग यानी कि बच्चों के लिए अनसुटेबल क्यों कहा गया है. इट वॉज सिम्बॉलिक ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी, इट टॉक्ड ऑफ मेल सुपीरियोरिटी, द यंग डिड नॉट लाइक टू बिलीव इन गॉड, द साइंटिफिक टेम्पर गोज अगेंस्ट रिलीजियस बिलीव्स. क्वेश्चन 8, वॉट हैव यू रिटन एज द आंसर. Relegated means lower down the position of something, means किसी का rank कम कर देना. Question 8 का answer क्या है, option B, it talked of male superiority. This is the answer according to the answer key that I have. And जो भी options हैं उसके according मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा suitable है, क्योंकि हमारा ये जो paragraph है कहीं ना कहीं ये male female equality के बारे में भी हमें बता रहा है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9.
हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, नाउ इंटेलिजेंट मेन एंड वुमेन हैव डेवलप्ड अ कंफर्टेबल रिलेशनशिप, ये स्टेटमेंट ट्रू है. वाइफ्स फियर ऑफ द हस्बैंड हैज टर्न्ड इनटू अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल लव, ये भी ट्रू है. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. वन एंड टू आर बोथ राइट एंड टू इज द रिजल्ट ऑफ वन. तो यही एक ऑप्शन है जिसमें दोनों स्टेटमेंट्स को राइट कहा गया है. बाकी सब स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई, बाकी सब ऑप्शंस में कोई ना कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो क्वेश्चन 9 आंसर इज सी. कक्का भिकी सेम क्वेश्चन 8 आई रोट डी. क्वेश्चन 8 डी, द साइंटिफिक टेम्पर गोज अगेंस्ट रिलीजियस बिलीव्स. अभी तक तो जो की है उसमें बी ही आंसर दिया हुआ है, बाकी देखते हैं क्या आंसर है, सीबीएसई क्या रिलीज करती है. क्वेश्चन 10 देखते हैं, देयर रोल ऑफ इनफॉलिबल टायरेंट. द फ्रेज मीन्स अ क्रूअल पर्सन हु समटाइम्स फेल्स, नेवर फेल्स, समटाइम्स मेक्स अ मिस्टेक, नेवर मेक्स अ मिस्टेक. अब टायरेंट हुआ क्रूअल पर्सन, इनफॉलिबल का मतलब क्या है, हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं करता उसे इनफॉलिबल कहते हैं. सो आंसर विल बी डी. 10 यू रोट ए, समटाइम्स फेल. नो, इनफॉलिबल मींस जो कभी भी गलती नहीं करता. नेवर मेक्स अ मिस्टेक, मोहम्मद सुफियान. चलिए नेक्स्ट पैसेज है चिंपैंजीज के बारे में. चिंपैंजीज की पॉपुलेशन पर रोड्स का क्या असर पड़ता है, ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या असर पड़ता है, इसका क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 11, पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट एनिमल स्पीशीज, हाउ डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स अस, इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन चिंपैंजीज. सबसे ज्यादा सूटेबल टाइटल क्या होगा इस पैसेज का, देखिए वो हमें पूरे पैसेज में यही बता रहे हैं कि डेवलपमेंट होने से चिंपैंजीज की पॉपुलेशन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. सो मोस्ट सूटेबल टाइटल होगा ऑप्शन डी. हाँ जी, डिटर्मिनर और क्लॉजेस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. अभी क्वेश्चन 11 आंसर डी, यस. क्वेश्चन 12, The purpose of the study was to understand the impact of roads on chimpanzees, to analyze how mining and agriculture affect them, how hunting and disease affect the apes, to raise hope among conservationists about the survival of chimpanzees. क्या लग रहा है कि ये स्टडी में हमें किस चीज के बारे में ज्यादा बताया, माइनिंग और एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं बताया, हंटिंग और डिजीजेस के बारे में भी कुछ नहीं बताया, कंजर्वेशनिस्ट के बारे में या चिंपैंजीज को कंजर्व करने के बारे में भी कुछ नहीं बताया. इसका आंसर तो बहुत डायरेक्ट है, ऑप्शन ए. यस, क्वेश्चन 12 आंसर इज ए. क्वेश्चन 13, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन. चिंपैंजीज इन वेस्टर्न अफ्रीका आर सेफ, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द एप्स इज नेग्लिजिबल, Chimpanzees are territorial, so they have to travel long distances. Chimpanzee population increases if their habitat is away from roads. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन 13 का आंसर क्या है, ए बी सी डी? आप सब क्या लिख के आए हैं क्वेश्चन 13 का आंसर? डी आ रहा है, डी इज द आंसर. अगर चिंपैंजीज सड़कों से दूर रहते हैं तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है. अभी जेएसके 2 नहीं डिस्कस होगा, जो स्टूडेंट्स जेएसके 1 अटेम्प्ट करके आए हैं वो यहाँ पर सेशन अटेंड करें. ओके, क्वेश्चन 14, दो स्टेटमेंट्स हैं, चिंपैंजी पॉपुलेशन डिक्रीजेस मोर रैपिडली अराउंड मेजर रोड्स, मोर ट्रीज आर कट टू कंस्ट्रक्ट मेजर रोड्स. दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है, एंड 2 इज द कॉज ऑफ 1. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 14? Answer is option C. 1 is true and it is a result of 2. 14 का आंसर क्या लिखा है स्टूडेंट्स आपने? C, yes.
15. This passage is comparatively easier. Again, we have three statements. The increase in human population is directly proportional to decrease in ape population. Ye statement first paragraph mein di hui hai. When roads are constructed, chimpanzees move to distant places. When human population increases, need of infrastructure also increases. Ye bhi hume diya hua hai. 1 and 2 are true, 1 and 3 are true, 1 and 2 are false, 2, 1 and 3 are false. So, ye to strike out ho gayi. Answer is C, 1 and 3 are true. Question 15 ka answer kya hai? C. Yes. Question 16. Humans need more roads. To satisfy human needs, more trees are cut. दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. 16 का आंसर क्या होगा? वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स, नो. वन इज ट्रू लीड्स टू टू, यस. वन इज फॉल्स, कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है. वन एंड टू बोथ आर ट्रू, बट टू लीड्स टू वन. अब ये देखिए, वन लीड्स टू टू या टू लीड्स टू वन, ए बी या डी में से कौन सा आंसर है क्वेश्चन 16 का? बी. बी में क्या लिखा है? वन लीड्स टू टू, मीन्स हम ह्यूमंस को ज्यादा रोड्स चाहिए जिसकी वजह से ट्रीज को काटा जाता है. सो वन लीड्स टू टू, बी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 16. क्वेश्चन 17 देखिए, इनमें से स्टेटमेंट कौन सी फॉल्स है? क्या लिखा है 17 में? ए बी सी डी. Chimpanzees lived peacefully when there were fewer roads. Chimpanzees have gradually adjusted to the noisy roads. More roads mean fewer interactions among different chimpanzee groups. Isolated habitats of different groups lead to genetic isolation. Question 17. Hanji Manveer Singh, welcome. Good evening to the session. How was your exam? So, what is the answer of 17? A, B, C, D. False statement batani hai. False kaun si hai? बी इज फॉल्स. अभी भी चिंपैंजीज को नॉइजी रोड से एडजस्टमेंट नहीं हुई है. सो ये स्टेटमेंट गलत है. आंसर है बी. यस आशना, वेरी गुड आशना, आपके तो बहुत सारे आंसर्स करेक्ट हैं. क्वेश्चन 18. रोड्स, रोड किल्स, हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन, हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. मीन्स पहले जो होता है उसके बाद, फिर बाद, फिर बाद. हंटिंग क्या रहेगा? क्या सीक्वेंस है क्वेश्चन 18 की? बी इज द आंसर. सबसे पहले पेड़ काटे जाते हैं, फिर रोड्स बनती हैं, उसके बाद क्या होता है? रोड किल्स मींस व्हीकल्स जानवरों में हिट करके जानवरों को मार देते हैं, और फिर होती है हंटिंग. यस 18 इज बी. नाउ वी कम टू ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन. ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं. द पब्लिक डैश फीड द एनिमल्स इन अ जू, शुड नॉट, ऑट नॉट टू, मस्ट नॉट, नीड नॉट. अब वैसे तो कुछ भी सही है, सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन ये क्या है? आपको जानवरों को फीड नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? मस्ट नॉट. जो भी कोई एडवाइजरी इशू की जाती है वहां पे ऐसे ही लिखा जाता है, यू मस्ट नॉट. सो क्वेश्चन 19 का आंसर है सी. कितने लोग सी लिख के आए हैं? हाय अनुम, गुड इवनिंग. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव रिटन सी फॉर क्वेश्चन 19? ए इज नॉट करेक्ट. आशना इज सेइंग ए. द पब्लिक शुड नॉट फीड द एनिमल्स इन अ जू. मस्ट नॉट थोड़ा और ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है. शुड नॉट और मस्ट नॉट में थोड़ा सा डिफरेंस है. मस्ट नॉट मीन्स कि ये चीज में कुछ डेंजर इन्वॉल्व्ड है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. तो जो भी कभी प्रोहिबिशन लगी होती है वहां पे मस्ट नॉट लिखा होता है. पर मुझे तो लग रहा है कि ए और सी दोनों ही करेक्ट हैं, तो हो सकता है सीबीएसई ए और सी दोनों को ही मार्क्स दे. क्वेश्चन 20 देखते हैं. देयर इज डैश शुगर इन द टिन फॉर अ कप ऑफ कॉफी. ए बी सी डी. इनफ, मच, मोर, लिटल. 20 का आंसर क्या लिखा है आप लोगों ने? ए बी सी डी. गुड मनवीर, वेरी वेल डन. यू विल स्कोर 35 आउट ऑफ 40. सो आप पहले 35 लिखेंगे,
और फिर स्लैश और फिर 40, 35 आउट ऑफ 40. ओके, व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन 20, ए बी सी और डी? व्हाट हैव यू रिटन? हरी अप एंड टेल मी. आंसर टू क्वेश्चन 20 इज ए. इनफ. देयर इज इनफ मींस जितनी चीनी चाहिए एक कप चाय बनाने के लिए उतनी चीनी टिन में है. क्वेश्चन 20 आंसर इज ए, नॉट बी डी. नो 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 नो, बी डी इज नॉट करेक्ट. क्वेश्चन 21. सीता इज वर्किंग हार्ड दीज डेज. आई थिंक शी डैश एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज. विल गेट, माइट गेट, वुड गेट, वुड बी गेटिंग. आंसर इज ए. जब वो मेहनत कर रही है तो उसे एडमिशन मिल जाएगी. शी विल गेट एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज. 21 इज ऑल्सो ए. 22 का बताइए. रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है. राम सेड, सीता व्हाट डू यू वांट? अब ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट टेंस में क्या बनेगा? राम टोल्ड सीता व्हाट डिड शी वांट. राम आस्क्ड सीता व्हाट शी वांटेड. राम आस्क्ड सीता व्हाट डिड शी वांट. राम आस्क्ड सीता व्हाट डिड शी वांट क्वेश्चन मार्क. सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है 22 में? बी. बी, यस, बी इज द आंसर. राम आस्क्ड सीता व्हाट शी वांटेड. क्वेश्चन 23 फिर से रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है. रमन सेड टू मी आई शैल गो फॉर अ वॉक. रमन टोल्ड मी दैट आई हैड गॉन फॉर अ वॉक. नो, रमन टोल्ड मी दैट ही वुड गो फॉर अ वॉक. रमन टोल्ड मी दैट ही शुड गो फॉर अ वॉक. रमन आस्क्ड मी दैट ही विल गो फॉर अ वॉक. आंसर इज बी. ये तो बहुत ईजी है. क्वेश्चन 23 का आंसर है बी. ये तो सभी स्टूडेंट्स का सही हुआ होगा. जल्दी से बताइए 23 का बी कितनों ने लिखा है? सी. सी देखिए, रमन टोल्ड मी दैट ही शुड गो फॉर अ वॉक. आई शैल गो विल चेंजेस, शैल विल चेंज टू शुड. आई शैल गो फॉर अ वॉक. रमन टोल्ड मी दैट ही शुड गो फॉर अ वॉक. नो, शैल भी जब चेंज होगा तो वुड ही बनेगा यहां पर. B will be correct. The train is running late. We dash for 1 hour. We would wait. We shall have to wait. We should have to wait. We may be waiting. Answer is C. We shall have to wait. ये तो easy है because we shall have to wait for 1 hour. Future tense. 24 का क्या लिख के आए? सी लिखा है कितनों ने? तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मार्क्स. चलिए अब राइटिंग सेक्शन पर चलते हैं. यहाँ पे एक लेटर है. अरुण एक हिल स्टेशन पर गया था तो उसने लेटर लिखनी है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट ही फेस्ड ऑन द हिल स्टेशन. 25. लेटर किसको लिखी जाएगी फॉर अ वाइडर रीडरशिप? सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, नेशनल डेली न्यूज़पेपर, न्यूज मैगजीन. क्वेश्चन 25 में क्या लिखा है आप लोगों ने? ए बी सी डी. हाँ जी शिवम, शैल हैव टू वेट इज करेक्ट. क्वेश्चन 25 का क्या होगा? ये लेटर किसको लिखी जाएगी ताकि सबसे ज्यादा लोग उसे पढ़ सकें? तो लेटर लिखी जाएगी न्यूज़पेपर को, क्योंकि जब लेटर न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी तभी लोग उसे पढ़ेंगे. 26. इन विच ऑर्डर शुड अरुण ऑर्गेनाइज द लेटर? सब्जेक्ट, एड्रेस, अरुण सिग्नेचर, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, डेट ऑन विच द लेटर इज रिटन. अब देखो, जो हमने फॉर्मेट पढ़ा है उसके हिसाब से सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में किसी भी ऑप्शन में सबसे पहले 2 नहीं लिखा हुआ. सबसे पहले उन्होंने एक ऑप्शन में डेट वाला दिया हुआ है, 5 से स्टार्ट किया हुआ है. तो हम इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं. डी और सी तो कट हो गई. अब एक ऑप्शन में सबसे पहले सेकंड नंबर पे अरुण सिग्नेचर दिया है, ये गलत है.
तो हमारे पास बचा ऑप्शन बी, 26 का है बी। यस विकास, योर चैट इज विजिबल, गुड इवनिंग। कैसा था आपका पेपर बताइए मुझे। सो 26 का आंसर है बी। हमें हमेशा बेस्ट ऑप्शन ढूंढनी होती है, ठीक है ना। तो कई बार ऑप्शंस ऐसी होती हैं कि कंफ्यूजिंग होती हैं, जो हमने पढ़ा होता है वैसी ऑप्शन नहीं दिखती, तो भी हमें सबसे अच्छी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर है बी। अब चलते हैं 27 क्वेश्चन पर। अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, डिफॉरेस्टेशन इन द हिल्स, अफोर्डेबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन, इररिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ हिल स्टेशन। अब देखिए, चारों सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिफॉरेस्टेशन इन द हिल्स, हम अकेले डिफॉरेस्टेशन की बात नहीं कर रहे, हम और भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहते हैं। अफोर्डेबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम कहना चाहते हैं अकोमोडेशन इन अफोर्डेबल है। इररिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, सिर्फ अकेला हम इसी चीज़ की भी बात नहीं करना चाह रहे। तो आंसर बहुत क्लियर है, ऑप्शन डी। यहाँ पे हम हर चीज़ को कवर कर सकते हैं, डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ हिल स्टेशंस। यस, ये क्वेश्चन भी इजी था। क्वेश्चन 28 देखते हैं। किस ऑर्डर में अरुण को अपना लेटर लिखना चाहिए? डिफिकल्टी इन चूजिंग अकोमोडेशन, क्वेश्चन ऑफ क्लीनलीनेस, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, मेंशन हिज विजिट, व्हाट ही सॉ ऑन द वे अपहिल। तो ये सब कुछ क्या है, आपकी लेटर की बॉडी का कॉम्पोनेंट है, इसे कैसे अरेंज करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मैं हिल्स पर घूमने गया था, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि मैंने वहाँ पर क्या देखा, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी मैंने, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे कि मुझे अकोमोडेशन चूज करने में डिफ़िकल्टी हुई, वहाँ पे साफ सफाई नहीं थी, और फाइनली आएंगी सजेशंस। तो ये सीक्वेंस है जो कि हमने फॉलो करना है, 4 5 1 2 3। 4 5 1 2 3 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो 28 का आंसर बी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा है, वेरी गुड। क्वेश्चन 29 पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, सजेशंस, कौन कौन सी सजेशंस देंगे हम अपनी लेटर में। ये क्वेश्चन की ऑप्शंस तो भाई मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगी हैं, आप सब बताइए आपने इसका आंसर क्या डाला है। मेरे पास जो आंसर की है उसमें दिया हुआ है ए, ठीक है, कि गवर्नमेंट अफोर्डेबल गेस्ट हाउसेस बनाए, टूरिस्ट को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होना चाहिए, और फॉरेस्ट स्टाफ को भी विजिलेंट होना चाहिए, ठीक है। अभी सैनिटेशन स्टाफ का उन्होंने नहीं डाला, और होटल स्टाफ टू बी गेस्ट फ्रेंडली भी नहीं डाला। तो आपको क्या लगता है, कौन सी सजेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालनी है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि जो गेस्ट हाउसेज हैं वो अफोर्डेबल होना इम्पॉर्टेंट है, टूरिस्ट को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ताकि वो क्लीनलीनेस प्रैक्टिस करें और इधर उधर कचरा ना गिरें, और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स अगर विजिलेंट होंगे तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी। इसी वजह से ए को आंसर सिलेक्ट किया गया। समवन स्किप्ड, दैट इज़ वेरी गुड। जो क्वेश्चन ऐसा कंफ्यूजिंग लगे जिसकी ऑप्शंस में गोलमोल हो ना, उसको तो स्किप करना ही बेटर होता है। कई लोगों ने ये भी लिखा है, चलिए मुझे तो सारी ऑप्शंस ही सही लग रही हैं इसमें। क्वेश्चन 30 देखते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क क्या होना चाहिए, क्या लिखा है अपने क्वेश्चन 30 का आंसर, ए बी सी डी। पेपर वॉज वेरी हार्ड, हाँ जी, लिटरेचर में भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं गोलमोल। एक तो बहुत ही फनी क्वेश्चन है लेंचो का, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चलिए क्वेश्चन 30 बताइए, क्या लिखा है आप लोगों ने आंसर। कंक्लूडिंग रिमार्क क्या होना चाहिए, आई होप माई लेटर विल बी रेड विद ड्यू अटेंशन, आई होप दैट कंजर्वेशनिस्ट विल गेट अ वेकअप कॉल, आई होप माई लेटर गेट्स एन एडिक्वेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री, आई होप दैट माई लेटर हेल्प्स इन प्रमोटिंग टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी कोई बहुत अच्छी ऑप्शंस नहीं दी हुई इन्होंने, लेकिन फिर भी जो ऑप्शंस अवेलेबल है इनके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या है, डी। तो हम डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आ गया हमारा लिटरेचर सेक्शन। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है वोंडा पेगी का। क्वेश्चन 31, ये तो इजी है। पेगी मेड फन ऑफ वोंडा, पेगी वोंडा का मजाक क्यों बनाती थी, क्योंकि वोंडा कहती थी उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और वोंडा का नाम भी फनी था। तो 3 और 4 है ऑप्शन डी। 31 का आंसर हुआ ऑप्शन डी। कितनों ने लिखा है 31 का डी, ये तो आप सभी का करेक्ट होगा। Why don't A in 30? KYR motivation, वही तो मैं बोल रही हूँ। I hope my letter will be read with due attention. ये थोड़ा ज़्यादा specific हो जाता है, इसी वजह से D है answer. वैसे तो A भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से, तो चारों ही options A और D दोनों ही options अच्छी हैं।
देखते हैं, हो सकता है सीबीएसई ए और डी दोनों को ही सिलेक्ट कर दे। तो हाँ जी, 31 का आंसर देखते हैं, डी लिखा है, वेरी गुड, ये तो इजी था। 32 का आंसर भी इजी है, पेगी आज वंडर अबाउट द नंबर ऑफ ड्रेसेस शी हैड, शी वांटेड टू हेल्प हर मेक फन ऑफ हर, शो दैट शी वाज रिच, शो हर एरोगेंस। आंसर क्या है? शी वांटेड टू मेक फन ऑफ हर। 32 बी, 32 का बी कितनों ने लिखा है जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन। 33, दे नेवर मेड हर क्राई। अब पेगी और वांडा, पेगी और मैडी वांडा का मजाक तो उड़ाती थी लेकिन उसे रुलाती नहीं थी, इससे क्या पता चलता है? ए बी सी डी, देवर काइंड हार्टेड, देवर इनडिफरेंट, दे डिड नॉट लाइक क्राइंग पीपल, दे डिड नॉट लाइक हर नेम। ऑप्शंस तो इतनी फनी है बाय गॉड, दे डिड नॉट लाइक हर नेम तो इतनी बिल्कुल सेंस ही नहीं बन रही इस ऑप्शन की। वो उसे रुलाते नहीं थे क्योंकि उसे उसका नाम नहीं पसंद था, कोई लॉजिक ही नहीं बन रही है इसमें। 33, यस आंसर इज ए, भाई पेगी दिल की बुरी नहीं थी इसलिए वो वंडा को कभी रुलाती नहीं थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 34, दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1, वंडा वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, स्टेटमेंट 2, वंडा हैड 100 ड्रेसेस। अब 100 ड्रेसेस वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स है, उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थी, वो डिफरेंट थी अदर्स से, ये ट्रू है, वो अलग थी, वो चुपचाप बैठी रहती थी एक ही किनारे में। सो 1 is true, 2 is false, 2 is true, 1 is false, both 1 and 2 are true, both 1 and 2 are false। 34 का आंसर ए बी सी डी, व्हाट हैव यू रिटन, टेल मी फास्ट। अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज ए, 1 is true, 2 is false। यस आशना इज ऑल्सो सेइंग ए। वी सी क्वेश्चन 35, अगेन वी हैव टू स्टेटमेंट्स, पेगी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, यस she was sarcastic with Wanda. It means that Peggy was rich and arrogant, kind and fun-loving, kind only to small children, proud of her dresses. इसका आंसर क्या है 35 का, ए बी सी डी? ओके प्रियंका, यू गॉट 34 मार्क्स, नॉट बैड। पेपर इतना मुश्किल है बच्चों के तो 30 भी नहीं आ रहे, आपके तो 34 आ रहे हैं, वेरी गुड। 35 ए, रिच एंड एरोगेंट, भाई चैप्टर में दिया हुआ है शी वॉज काइंड एंड फन लविंग। वो तो कहती है कि वो वंडा के साथ सरकेस्टिक भी इसलिए थी क्योंकि एक तो उसका नाम बहुत फनी था और उसे लगता था कि वंडा झूठ बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है क्योंकि हर रोज वो एक ही नीले रंग की फेडेड सी ड्रेस पहन कर आती है, है ना। सो आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, लेंचो का। ये इस पैसेज में तो कुछ क्वेश्चन मुझे भैया बहुत ही फनी लगे हैं। क्वेश्चन 36 देखते हैं, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है। लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, All through the night he thought of his only one hope. One is the cause and two is the effect. Two is the cause of one. Two preceded one. Both one and two happened at the same time. So 36 का आंसर क्या लिख के आए हैं आप? A B C D. What if we got less marks in all subjects? साक्षी प्लीज डोंट वरी अबाउट योर मार्क्स नाउ, आई थिंक यू ऑल शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन टर्म टू एग्जाम्स। 36 आंसर इज बी, 2 इज द कॉज ऑफ 1। सारी रात वो सोच रहा था कि भगवान उसकी मदद करेगा और सुबह उसने फैसला किया कि वो गॉड को चिट्ठी लिखेगा मदद के लिए। हाँ जी बी ही सही है। क्वेश्चन 37, ये तो ईजी है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इसका क्या मतलब है? एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स ही वॉज हार्ड वर्किंग। आंसर इज ए, ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। ठीक है क्वेश्चन 38, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, इसका क्या मतलब है? लेंचो कुड राइट एज ही वॉज अ फार्मर, ऑर्डिनरीली अ फार्मर डिड नॉट नो हाउ टू राइट, ऑल फार्मर्स न्यू हाउ टू राइट, अ फार्मर कैन नॉट नो हाउ टू राइट। बेस्ट ऑप्शन बताइए 38 की, ए बी सी डी क्या लिखा है आप लोगों ने? मनिक आपके सिर्फ 10 नंबर बन रहे हैं, डोंट टेल मी, भाई थोड़ी से तो ज्यादा ले आओ, हमारी इज्जत का सवाल है। क्वेश्चन 38 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। इसका ये मतलब है कि ज्यादातर फार्मर्स को लिखना नहीं आता था लेकिन लेंचो को पढ़ना लिखना आता था। 36 का आंसर है बी,
38 का भी हो गया 39। अब ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ज्यादा फनी है, मार्वेलस क्वेश्चन। संडे को वो चिट्ठी क्यों लिख रहा था? संडे इज अ होली डे फॉर क्रिश्चियंस, भाई भगवान का दिन है इसलिए। गॉड लिसन्स टू पीपल ओनली ऑन संडेज, लंचो वॉज बिजी रेस्ट ऑफ द वीक, द पोस्ट ऑफिस वुड ओपन ऑन मंडे। भाई ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर, तो उसने संडे को ही लेटर क्यों लिखी? और जो आंसर किए है मेरे पास उसमें लिखा है कि संडे क्रिश्चियंस का होली डे होता है इसी वजह से। भाई लेंचो को भगवान ने इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसने संडे को ही लेटर लिखी क्योंकि संडे क्रिश्चियंस का होली डे है। इसका आंसर मुझे नहीं पता, कई बच्चे सी भी कह रहे हैं ही वॉज बिजी रेस्ट ऑफ द वीक, संडे को वो फ्री था इसलिए, पर वो तो एक फार्मर था तो कौन सा उसने कोई दुकान खोलनी है जो वो पूरा हफ्ता बिजी होगा। यू आर गेटिंग ओनली 30 मार्क्स आयुषी, यस आई कैन एग्री विद यू। पेपर में मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे MCQs आएंगे। चलो भाई 39 का आंसर तो CBSE बताएगी हमें, मैं नहीं बता सकती इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन 40 देखते हैं। लॉस इज टू गेन एज डिस्पेयर इज टू डैश, ये तो ईजी है, लॉस और गेन ऑपोजिट्स हैं तो डिस्पेयर का ऑपोजिट है होप। आंसर है बी, 40 का आंसर बी है। हाँ हो सकते हैं प्रियंका बोनस मिल जाए आपको, ग्रेस मार्क मिल जाए कि इतना बढ़िया क्वेश्चन आया उसके लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट है, टाइगर इन द जू, हाउ डज द टाइगर शो हिज हेल्पलेसनेस, आंसर इज सी, थ्रू हिज कंट्रोल्ड एंगर। हाँ जी आंसर होप है 40 का। फोर्टी वन का आंसर दे बताइए, मेरे हिसाब से आंसर सी है। अब हमारे पास फिर से दो स्टेटमेंट्स हैं। इवन इन द जू द टाइगर हैज़ रिटेन्ड हिज मैजेस्टी, ही इज़ वॉकिंग सॉफ्टली इन द केज एज ही इज़ लुकिंग फॉर हिज प्रे। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। वन इज़ राइट, टू इज़ रॉन्ग, टू इज़ राइट, वन इज़ रॉन्ग, वन एंड टू बोथ आर राइट, वन एंड टू बोथ आर रॉन्ग, सो आंसर इज ए। 42 का आंसर क्या होगा? ए। ये स्टेटमेंट्स तो इजी थी। डी डिंगली सिंह डी, 42 डी, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। भाई जू में टाइगर लगता तो मैजेस्टिक ही है। चलिए 43 पे चलते हैं। लुकिंग एट द केज्ड टाइगर, looking at the caged tiger we admire his majestic looks, we get scared of him, we feel sympathetic towards him, we feel safe that he is caged. 43 का आंसर क्या है? सी। अब यहाँ पे वी कौन है? हमारे पोएट। हमने अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी कि हम जब जू में जाते हैं टाइगर को देखने तो हमें कैसा लगता है, पोएट को उसकी तरफ सिंपथेटिक लगता ना, तभी वो कहता है कि भी बेचारा पिंजरे में बंद है, आज़ादी से नहीं जी सकता, उसका घर तो जंगल है। 43 का है सी, रंभा, सी है आंसर, ये नहीं है। ये तो आप इसलिए कह रहे हैं कि हम जब जू जाते हैं तो हमें सुरक्षित फील होता है कि हाँ ये टाइगर जू में केज में बंद है तो ये हमें अटैक नहीं करेगा। 44 देखते हैं। द टाइगर इन द जू डज नॉट हैव टू हंट फॉर हिज फूड, सो ही फील्स हैप्पी, येट ही इज एंग्री, सो ही फील सिक्योर, येट ही फील्स लोनली। 44 का आंसर क्या होगा? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बी है कि उसे खाने के लिए हंट नहीं करना पड़ता फिर भी वो गुस्से में है, तो बी, उसे खाना भी रेडीमेड मिल रहा है, ये नहीं है कि जंगल की तरह उसे शिकार करना पड़ेगा, फिर भी वो एंग्री क्यों एंग्री है? क्यों एंग्री है वो? क्योंकि ना तो वो लोगों को डरा सकता है ना वो लोगों को अटैक कर सकता है ना, वो इसलिए गुस्से में है। एक्चुअली टाइगर को अच्छा लगता है गुस्सा रहना, उसकी नेचर है, इसलिए कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेता है वो। चलिए 45 क्वेश्चन बताइए, ए बी सी डी। उसे वाटर होल क्यों पसंद है? ये वो टाइगर है जो जंगल में रहता है, अब जंगल वाले टाइगर की बात हो रही है। उसे वाटर होल क्यों पसंद है? क्योंकि वहाँ पर उसका शिकार आता है ना, इसका आंसर है ए। 45 इज ईजी। नाउ 46 अनदर एक्सट्रैक्ट, ये कहाँ से? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट।
अब क्लर्जी मैन अमेज्ड क्यों था? दैट देयर वॉज नो वन विजिबल इन द रूम व्हेन ही सॉ हिज वाइफ पीपिंग अंडर द डेस्क. द अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर हैड बीन डिस्टर्ब. देयर वॉज नो बडी इवन बिहाइंड द कर्टन्स. ये तो इजी है. 46 मेरे पास जो की है उसके हिसाब से डी लिखा हुआ है, बट मेरे हिसाब से आंसर है ए. वो अमेज था क्योंकि कोई भी कमरे में विजिबल नहीं था. 46 का क्या लिखा है आप लोगों ने? ए बी सी डी. भाई डी आंसर कैसे हो सकता है? सिर्फ इस वजह से कि पर्दे के पीछे कोई नहीं है वो अमेज हो गया था. भाई वो इसलिए अमेज था क्योंकि पूरे कमरे में कोई भी नहीं था. एक तो ये पता नहीं ऐसी ऑप्शंस देते ही क्यों हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं. एक्सट्रैक्ट में दिया तो हुआ है देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. सो आंसर इज ए. यस. 47 क्लर्जीमैन कैसे चल रहा था? स्टेल्थिली, क्विकली, बोल्डली. स्टेल्थिली मीन्स दबे पांव, चुपके चुपके चलना. तो वो स्टेल्थिली चल रहा था. तो वन कहां पर राइट है? अब देखो ये ऑप्शन, देखो ये ऑप्शन, देखो दोनों ऑप्शन सही हैं. वन इज राइट, टू इज रॉन्ग. वन इज राइट, थ्री इज रॉन्ग. अब यहां पे क्या फर्क है? विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, यानी कि स्टेल्थिली, ठीक है. अब वो क्विकली चल रहा था कि नहीं, ये तो दिया नहीं हुआ. अब जो मेरे पास आंसर की है उसमें दिया हुआ है सी, ए, ए दिया हुआ है. वन इज राइट, टू इज रॉन्ग. बच्चे कह रहे हैं डी. मेरे हिसाब से दोनों करेक्ट हैं, वन ए एंड डी. 47 में सीबीएसई को दोनों क्वेश्चंस, दोनों ऑप्शंस को करेक्ट करना पड़ेगा. चलो 48 देखते हैं. फिर से दो स्टेटमेंट्स हैं. द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर थरो इन देयर सर्च. The thief had failed to take anything. ये गलत है. One is true, two is false. Answer is C. 48 answer क्या लिखा है आप लोगों ने? Answer is C. One is true, two is false. You skipped it. Good. We move to question 49. What is an extraordinary affair? Something very brilliant, something very special, something unusual, something very careful. This is easy. Answer is C. Something unusual, extraordinary. 49, A, B, C, D. What have the students written in question 49? Yes, C is the answer. 50. At the loss of his money, the clergyman must have felt sorry, sad, angry, surprised. अब देखो उसकी feelings थोड़ी unique थी. Unique क्यों थी? क्योंकि उसके कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी पैसे गायब थे. तो उसे क्या feel हुआ होगा? He must have felt surprised. Answer is D. 50 D. चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड द डायरी. एन स्टार्टेड हर डायरी एज शी कुड नॉट कन्फाइड इन एनीवन, एज शी वाज गुड एट राइटिंग कॉम्पोजिशंस, एज शी वांटेड टू रिकॉर्ड हर फीलिंग्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस, एज शी वाज सीक्रेटिव बाय नेचर. वेरी इजी आंसर इज व्हाट? 51. 50 स्किप्ड गोलमोल. ओके, व्हाट इज द आंसर टू 51? या प्रियंका, आई अंडरस्टैंड वी आर disappointed because question paper is not as what we expected. Question 51 is A. ये तो easy question है. 52. The dust of snow from a hemlock tree. Dust of snow has made the poet appreciative of nature, thoughtful, happy, cold. अब इसका best answer is C. Happy. पहले वो sad थे, now वो happy हो गए. 52 C. How many you have written 52 C? This is very easy. Yes, good, good, good. 53. And now it was a gathering of different colors. Nelson Mandela long walk to freedom. What does the poet mean by gathering of different colors?
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. आंसर क्या है? सी, लीडर्स ऑफ डिफरेंट नेशंस गैदर्ड देयर. ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये तो सभी का सही होगा. 53 C. 53 B. नो, डेकोरेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स. नो, पूरे दुनिया के सारे देशों से लोग वहां आए हुए थे, उसे कहा है गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स या रेनबो कलर्स. 53 C. यस. 54, Seagull was alone on the ledge. His brothers had flown away. He was afraid to fly. The sea was very deep beneath him. His mother had not yet fed him. Answer is B. ये भी बहुत easy है. 54 का क्या लिखा है आप लोगों ने? हाँ जी प्रियंका, अभी रिपीट करते हैं. 52, 54 बताइए. Seagull ledge पर अकेला था because he was afraid to fly. 54 will be B. प्रियंका ने 52 का ए किया है. एप्रिशिएटिव ऑफ नेचर. प्रियंका, एप्रिशिएटिव ऑफ नेचर भी करेक्ट है. अगर हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होगा तो कौन सा ऑप्शन लेंगी आप? बेस्ट ऑप्शन हैप्पी. क्यों? क्योंकि वो अपनी पोएम में एंड करते हैं, हैज सेव्ड द डे दैट आई हैड रूड. मींस वो कहना चाहते कि पहले मैं सैड था, लेकिन जब मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी उसने मुझे हैप्पी बना दिया. हो सकता है सीबीएसई ए और सी दोनों ऑप्शंस को एक्सेप्ट कर ले एज करेक्ट, वी कांट से. सो 54 का बी हो गया. 55 पर चलते हैं. एंड डिसाइडेड टू लेट ओनली डैश टू रीड हर डायरी, हर रियल फ्रेंड, हर फादर, हर ग्रैंड मदर, हर मदर. एंड क्या कहती है? कौन उसकी डायरी पढ़ सकता है? 55 आंसर इज ए बी सी डी, अ रियल फ्रेंड. ए इज द आंसर. वो कहती है कि सिर्फ रियल फ्रेंड ही है जो मेरी डायरी को पढ़ सकती है. यस. 56, आफ्टर लूजिंग हिज बॉल द बॉय बिकेम सैड, फेल्ट एंग्री, लर्नड अ लेसन, वेंट फॉर अनदर बॉल. तो यहाँ पे क्या है? इंस्टेंटली जैसे ही उसकी बॉल उससे दूर हो जाती है, ही बिकेम सैड. 56 का आंसर क्या है? ए. मेरे पास जो आंसर की है उसमें सी लिखा हुआ है, लर्नड अ लेसन. वो कहता है ना, द बॉय इज लर्निंग द लेसन ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. व्हाट हैव यू रिटन? 56, ए और सी? 56 का ए हो सकता है. हां जी डिंगली, मैं तो कह रही हूं ए हो सकता है. मेरे हिसाब से 56 में ए और सी दोनों हो सकते हैं. पहले तो वो दुखी हुआ था ना, लेसन तो उसने बाद में सीखा. लेसन तो ग्रेजुअली सीखेगा ना वो, जैसे जैसे और भी एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ में. ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक बॉल ही गुम हो जाने से वो सीख जाएगा द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. वो तो अभी धीरे धीरे सीख रहा है. सैड तो वो हो ही गया था जब उसकी बॉल चली गई पानी में. तो मेरे हिसाब से तो ए बेटर ऑप्शन है 56 का, और बच्चे सी भी लिख रहे हैं. चलो 57 पे देखते हैं. विच वर्ड फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस विल कंप्लीट द फॉलोइंग. अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बढ़िया नहीं है. क्रूल्टी इज टू फायर एज इनसेंसिटिविटी इज टू डैश. अब देखिए, क्रूल्टी इज अ पार्ट ऑफ आइस, है ना. फायर तो हमारी हो गई फायर. अब इनसेंसिटिविटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आइस. तो यहाँ पे क्या आएगा? कोई ऐसी चीज जो फायर को रिप्रेजेंट करती है. वो क्या है ऑप्शंस में से? ऑप्शन सी, डिजायर. लेकिन जो आंसर की है मेरे पास उसमें लिखा हुआ है आइस. आप लोगों ने 57 में क्या लिखा है? ए. किसी ने लिखा है डी, डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो कॉमन है फायर और आइस दोनों के लिए. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आइस और फायर के सिंबल्स को कंपेयर कर रहे हैं. तो क्रूएल्टी और इनसेंसिटिविटी दोनों ही आइस रिप्रेजेंट करता है. तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? जैसे यहाँ पे फायर लिखा है तो यहाँ पे भी कोई फायर का ही इंडिकेटर होना चाहिए. वो क्या है ऑप्शंस में से? सी, डिजायर. बट जो आंसर की मेरे पास आई है उसमें आइस लिखा हुआ है. तो मेरे हिसाब से सी आंसर है, बट स्टूडेंट्स भी ए कह रहे हैं, आइस ए किया है. चलो देखते हैं फाइनल जो आंसर की रिलीज होगी सीबीएसई की, उससे ही पता चलेगा कि करेक्ट आंसर क्या है, ए या सी.
ए है, चलो ज्यादा ज्यादा लोग ए के लिए मेजोरिटी कह रहे हैं। लेट अस से 58, मिसेस पम्फ्रेट एज अ पेट ओनर, मिसेस पम्फ्री वॉज इंडल्जेंट, केयर फ्री, रिच और फूलिश। करेक्ट ऑप्शन बतानी है 1 and 2, 2 and 4, 2 and 3, 1 and 4। शी वॉज इंडल्जेंट एंड वॉट एल्स, शी वॉज फूलिश। आंसर इज डी। 58 का डी लिखा है किसी ने? ए 1 and 2, इंडल्जेंट एंड केयर फ्री। B 2 and 3। देखिए जो फाइनल आंसर की सीबीएसई रिलीज करेगी, टीचर्स आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज दैट आंसर की टू द स्टूडेंट्स, तो वो आंसर की आपको पता नहीं चलेगी, आपको सिर्फ आपके मार्क्स पता चलेंगे, वो भी मिलेंगे टर्म टू के एग्जाम्स के बाद जब टोटल रिजल्ट अनाउंस होगा। तो अभी आप लोगों को कोई और आंसर की नहीं मिलने वाली, अभी आप लोग सब क्या कर सकते हैं, आप अपने टर्म टू एग्जाम्स पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। दैट्स इट। सो 58 आंसर इज डी। 59, आफ्टर कुकिंग अ बैड मील एंड टोल्ड टू गो अवे, हरी स्टेड ऑन एज ही नीडेड अ जॉब, एज ही नीडेड शेल्टर, एज ही वॉन्टेड टू स्टील समथिंग, एज ही फाउंड अनिल टू बी वेरी सिंपल। हरी सिंह ने बहुत ही बेकार खाना बनाया था और अनिल ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, फिर भी वो उसके घर पर रहना क्यों चाहता है? 59 का आंसर क्या है? ए बी सी डी। शिवम इज सेइंग सीबीएसई आंसर की में डी दिया हुआ। हाँ शिवम, सीबीएसई आंसर की में डी दिया हुआ। 59 का आंसर क्या है? स्किप्ड, झोल है। आंसर की में उन्होंने दिया हुआ है सी, ही वॉन्टेड टू स्टील समथिंग। वो कहता है ना कि बड़े दिनों से मैंने किसी के यहाँ चोरी नहीं की, तो इसी वजह से मैं कोई शिकार ढूंढ रहा था, तो उसको अनिल लगा कि बहुत ही अच्छा है, सिंपल सा व्यक्ति है, मैं इसे आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ, सो ही वॉन्टेड टू स्टील समथिंग। प्रियंका कह रही है डी नहीं हो सकता, ही फाउंड अनिल टू बी वेरी सिंपल। पर हमें बताना है ना कि उसका मोटिव क्या था, अनिल सिंपल था तो उसके घर में क्यों रहना चाहता था वो सिंपल आदमी के घर में, क्योंकि वो चोरी करना चाहता था ना। 59 बी, ही नीडेड शेल्टर। ऐसा तो हमारे चैप्टर में कहीं नहीं दिया हुआ कि उसे शेल्टर चाहिए थी। चलो जी 60 पे चलते हैं, समवन इज वेरी अर्जेंट नीड्स टू एंड इट। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, हाउ डिड द बॉयज रिएक्ट, इंट्रिग्यूड और फैसिनेटेड, सरप्राइज, शॉक्ड, अम्यूज्ड। जब वो देखते हैं कि वो बंदा तो कोई नहीं दिख रहा, पैरों के निशान बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? चैप्टर जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है उसमें लिखा है द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, उन्हें झटका लगा। 60 का आंसर, आंसर की में दिया है देवर इंट्रिग्यूड और फैसिनेटेड। सरप्राइज भी काफी मिलता जुलता ही है मेरे हिसाब से, ए और बी दोनों करेक्ट हैं, है ना भाई? स्टोरी में खुद लिखा हुआ है दे स्टार्टेड इन सरप्राइज्ड, सो ए और बी दोनों शुड बी करेक्ट। आंसर की में ए लिखा है मेरे हिसाब से, तो भाई दोनों ही सही हैं। सो देर इज एम्बिग्विटी इन अ फ्यू क्वेश्चंस, देर इज कंफ्यूजन, लेट अस सी। आई होप दे गिव ग्रेस मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिनके ऑप्शंस क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ जिन क्वेश्चंस में दो दो ऑप्शंस करेक्ट हैं तो दोनों को ही मार्क्स मिलने चाहिए। ये तो अब हमें पता लगेगा जब हमारे फाइनल मार्क्स रिलीज होंगे। 60 का बी होगा मैम, चैप्टर में लिखा है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, चैप्टर में लिखा है द टू बॉय स्टार्टेड इन सरप्राइज, यही चीज तो है भाई। आंसर की जो आई है उसमें ए लिखा है, तो हो सकता है ए और बी दोनों ही सही हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, एंड यू ऑल हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आई होप इट गेट्स यू गुड मार्क्स, एंड वी विल क्लोज टुडेज सेशन। वी विल सून अनाउंस आवर शेड्यूल फॉर योर टर्म टू एग्जाम्स, वी विल हैव लाइव सेशंस फॉर दैट एज वेल, सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड वी विल सी यू सून। गुड बाय एंड